माय नेम इज शाशा श्रीवास्तव. आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 13 इन गेट 2021 सिविल इंजीनियरिंग पेपर. आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एमएनआईटी इलाहाबाद एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2019. आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड द एंटायर ईएस मास्टर टीम फॉर दिस ह्यूज अचीवमेंट इन गेट 2021 पेपर. एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम इन ईएस मास्टर इन 2019 and it was a wonderful experience for me as well to be a part of such program. And I would like to congratulate ES Master for this huge achievement of bringing top 10 rankers in GATE 2021 in civil engineering class. Congratulations, Shashwat Srivastava, on securing AIR 13 in GATE 2021 from civil engineering branch. Thank you, ma'am. What is your aspiration from very beginning? In the first year, I was not, means I was oblivious to every means exam and all in this competition. I was not very much known to anything. So I started to learn many new things from my seniors when I got in second year, when I passed in second year. Then I came to know about various means exams and public sector jobs and all that they used to talk about. So it was a means an inspiring journey for me as well to talk to them, and it was a good experience to talk to my seniors. One of my seniors, you must be knowing, Mridul Rakesh Mishra sir, who secured All India Rank 1 in GATE 2017 civil engineering paper. He was my inspiration as well, and I had talked to him while I was in my second year, and he guided me a lot in this journey, and he told me how to prepare your subjects and all, focus on your basic concepts, and these all tips he had given, which were like a means boon for me, and it helped me in building my concepts. I had got the path, now I had to just walk on that. So it was a nice experience for me as well. From there, my journey started in this preparation. What makes you stick to your technical domain? My seniors जो थे मतलब मैं मुझे मतलब maximum उनसे जो सीखने को मिला कि उन वो technically वो उस field में वो अपने field में strong थे और हर subject में वो मतलब अपने आप को excel करते हुए दिखे. मैं तो उनके सामने मेरे लिए तो एक witness ही था. मैं तो उनके सामने तो मैंने भी उनके एक्सेलेंस को मैं ऑब्जर्व किया था. तो मैंने भी सोचा कि सर मेरे लिए अभी मैं अभी इस फील्ड में अपने आप को जितना बेटर कर सकता हूँ मेरे लिए आगे उतना अच्छा होगा, और मैं अपने प्रोफाइल से रिलेटेड अगर मेरे पास वो रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो मैं आगे इसको भी मैं अचीव कर सकता हूँ. पहले मुझे अपने बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसको इसलिए मैंने अपने सब्जेक्ट को पहले मैंने प्रेफरेंस दिया सर. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गेट एग्जाम? मैंने स्टार्ट किया 2019 में, लेकिन मैं उस समय वेल प्रिपेयर्ड नहीं था उस लेवल पे, क्योंकि मैं जस्ट पास आउट था. तो मेरे पास उतना मैं हर सब्जेक्ट का मेरे पास नॉलेज नहीं था. तो मैंने जस्ट फॉर द मींस अटेम्प्ट मैंने दे दिया था. लेकिन मैंने अगले साल मैंने आपके जब कोचिंग मैंने ज्वाइन किया रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम, तब मुझे थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिला हर टेक्निकल सब्जेक्ट का. तो उससे मुझे एक फायदा मिला कि मैं इस चीज में अभी जो चीज मैं समझा हूँ अभी उसको और अच्छा कर सकता हूँ और उसमें और बेटर किया जा सकता है. मैंने ये चीज सर जब मैंने क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैंने मुझे वो एनवायरनमेंट मिला, तो उससे मुझे एक बूस्ट मिला इस प्रिपरेशन में. और मैंने फिर सर गेट 2020 भी अटेम्प्ट किया, तो उस साल में से मतलब मैंने सिक्योर किया था 1000 रैंक, ये 1025 रैंक, और मैं स्कोर 68.3 था. तो मैंने फिर इसको सोचा कि सर अभी थोड़ा सा मुझे लगता है लूप होल्स थोड़े बहुत रह गए हैं, तो मैंने मिस्टेक्स मैंने अपनी काउंट की कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की. तो मैंने फिर उसके बाद अपने गलतियों पे सर वर्क किया, तो उसको फिर धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश किया. और लास्ट ईयर कोविड पैंडेमिक में सर ऑनलाइन मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले. ये आपके कोचिंग के नोट्स में मैं सबसे लिए हेल्प था, और सबसे बड़ा हेल्प वही था मेरे लिए. और बाद में मैंने टेस्ट सीरीज और ये सब ज्वाइन किया, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिला बाद में मुझे प्रिपरेशन में, और मैंने अपने मिस्टेक्स पे वर्क किया. हाउ डिड यू प्लान आउट योर रिविजन स्ट्रेटजी? स्टार्ट मैंने किया था
मेनली रिवीजन से, क्योंकि मैंने कोर्स उस समय तक कवर कर चुका था। गेट 2020 में जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय तक मेरा कोर्स लगभग कवर हो चुका था, लेकिन मैं थोड़ा सा जो सब्जेक्ट्स पे मैं सोचता था कि वीक रह गया कहीं, या मुझे कोई पॉइंट मैं क्लियर नहीं कर पाया हर सब्जेक्ट का, तो मैंने पहले उस पर फोकस किया, कोर कॉन्सेप्ट्स पे मैंने वर्क किया। फिर धीरे धीरे फिर रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स या जो भी मुझसे हुआ तो मैंने प्रिपेयर किया, फॉर्मूलेज और ये सब जो आपके कोडल प्रोविजंस होते हैं सिविल में सबसे ज्यादा आरसीसी स्टील में, तो उसको मैंने एक जगह मैंने नोट किया, जो जो मैं चीज भूलता था उसको मैंने उसको एक जगह नोट्स में अपने इनकॉर्पोरेट किया, तो उससे मुझे एक हेल्प मिला। और फिर मैं क्विक रिवीजन के लिए मैंने उसी से अपने नोट से ही हेल्प लिया, और मैटनेस सीरीज में स्टार्टिंग से मैंने अपने आप को एनालाइज करने के लिए ज्वाइन किया था, तो मैं अपने आप को परफॉर्मेंस मैं अपना चेक करता रहता था, तो मेरा मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे थे। जैसे जैसे मैंने अपने टेस्ट फिर स्टार्ट किया, अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज, तो सर उसी से मैंने अपने आप को एनालाइज किया और फिर धीरे धीरे मिस्टेक्स पे अपना काम करता गया, और उससे फिर मुझे थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प मिला। How did IAS Master Test Series help you? सर कोर्स तो सबका हो चुका होता है, लास्ट मंथ के प्रिपरेशन में जितना जो पढ़ रहा होता है वो तो सबका हो चुका होता है, बस मेन पॉइंट ऑफ वो होता है सबका फोकस जहाँ पे रहना चाहिए कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे। तो रिवीजन तो सर मैं कर ही रहा था थोड़ा बहुत, मैं अब प्रैक्टिस की जरूरत थी तो मैंने टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मेनली ट्राई किया, अटेम्प्ट किए, और फिर उसमें मैं अपने परफॉर्मेंस को जज करता रहा, तो मैं अपने आप को उससे मुझे हेल्प बहुत मिला, क्योंकि मैं बीच बीच में जैसे कोई कॉन्सेप्ट भूलता था या जहाँ पे मुझसे कोई गलतियां होती थी सिली मिस्टेक्स, जहाँ पे उस समय उसको मैंने कम करने की कोशिश की, कि मतलब एग्जाम से पहले एक एग्जाम टाइप फुल लेंथ मॉक टेस्ट से यही फायदा मिलता है सर, कि मतलब हम लोग को एक एग्जाम लाइक सिचुएशन में हमें परफॉर्म करने का हेल्प मिलता है, उससे स्ट्रेटेजी आदमी प्लान कर सकता है उसमें, तो उससे एक हेल्प मिला और अपने मिस्टेक्स को सिली मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश किया सर ने। What was your strategy in exam hall? उस तरह के कॉन्फिडेंस था कि मैं जैसे मेरा रिजल्ट आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब मैं थोड़ा इसमें बेटर कर सकता हूँ और मैं बेटर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मैं नंबर्स में अपने टेस्ट सीरीज में आते थे तो उससे मुझे बहुत मतलब एक बूस्ट मिला था कि मैं अब एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको अब करने के एबल हूँ, मैं उसके लिए अब कैपेबल हो चुका हूँ। तो अब मैं सर स्ट्रेटेजी मैं ये बनाया था कि जैसे भी जो भी एग्जाम जैसे ही आएगा तो पेपर स्टार्ट होगा, मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया था जो भी पहले क्वेश्चन मुझे जो इजी लगेंगे पहले मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा सबसे पहले, और उससे पहले मुझे अपना स्कोर पहले अपने आप अटेन करना है, फिर सेफ स्कोर एक लिमिट मैंने सेट नहीं किया था सर, लेकिन मैं मानता था कि सेफ स्कोर एक होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपने आपको फिर रिस्क जो भी आप एक्स्ट्रा जो लेना चाहते हो फिर ले सकते हो उसके आगे। तो मैंने सर माना था कि जैसे मेरा स्कोर आता था अराउंड 72-75 अराउंड गेट के टेस्ट सीरीज में, तो सर मैं अपने आप को पहले उस पर रिस्ट्रेंट किया था कि मैं 70 मार्क्स तो मिनिमम इसमें अटेम्प्ट करके आऊंगा और उसको सही करके आऊंगा, और जो भी होगा उसके आगे मैं रिस्क लूंगा, जितना भी जितना 10-20% जितना भी रिस्क लेना होगा मैं जो क्वेश्चंस में वो लूंगा, और सर उसलिए मैंने अटेम्प्ट तो कोशिश किया। इस बार जो मैम पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का था ये 2021, तो उसमें पेपर में लगभग सारे क्वेश्चंस मैं रीच में थे, तो मैंने मुझे लगा कि मैं सब कर सकता हूँ सर इसमें पेपर में, तो सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट तो किए सर, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी ये था कि इजी से पहले स्टार्ट किया फिर टफर पे गया। How did you avoid the negative marking and improve the accuracy, which is required for GATE exam? स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए मतलब हर एस्पिरेंट का कि पहले उसको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए टेस्ट से कि उसको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा सर, वो मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का और कोई तरीका नहीं है सर, आप मतलब रिस्क लेना तो पड़ेगा सर, आपको अगर बेटर रैंक लाना होगा तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो सर यही मैं आइडियोलॉजी मानता था, तो थोड़ा मैं इसलिए टेस्ट सीरीज को मैं इसलिए क्रेडिट मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे रिस्क लेने की एबिलिटी मेरी इससे इंक्रीज हुई सर, हर क्वेश्चन को सर मुझे मतलब अटेम्प्ट करने की मतलब पावर आई सर इसमें, जो भी क्वेश्चन होता था सर उससे मुझे सीखने को मिलता था हर टेस्ट सीरीज में, तो मैंने उससे
एक पॉजिटिव साइड में मुझे ये मिला कि कॉन्फिडेंस मिला, रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरी इंप्रूव हो पाई सर, और नेगेटिव मार्किंग उससे सर अवॉइड की जा सकती है, वही एक स्ट्रेटेजी है सर इसकी। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट आईएएस मास्टर? मुझे आईएएस मास्टर ज्वाइन करने का तब मैंने सोचा कि जब मेरे सीनियर्स, मैं कॉलेज में सुनता था तो मुझे आईएएस मास्टर स्टडी मटेरियल के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने रिव्यू किया था उनके, उसके बारे में बताया था, तो मैंने फिर सोचा कि सर एक बार पहले स्टडी मटेरियल पहले मैं मंगा के देख लेता हूँ। मैं पढ़ा भी तो मुझे बहुत फायदा मिला सर उससे, तो मैंने जब क्लासेस मैंने वॉच किया एक दो, फिर मैं डेमो क्लासेस में पहले गया तो मुझे अच्छा लगा सर। कंचन सर ने जैसे इंट्रोडक्शन स्पीच दिया तो एक वो भी एक बूस्टिंग एफर्ट, मतलब मुझे हम लोग के लिए एक वो था, टेप टॉक था एक तरह का, तो उससे हम लोग को बहुत एनकरेजमेंट मिला और थोड़ा हम लोग को लगा कि अब थोड़ा मैं सही डायरेक्शन में आ गया हूँ, मुझे एक पाथ मिल गया है, तो अब मुझे बस इसको फॉलो करना है अच्छे से। तो मैंने सर फिर धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे फिर मैंने मन बना लिया था कि सर अब क्लासेस करना है यहाँ पे, तो फिर मैं सीधा फिर आपका एनरोल किया, फिर कोर्सेस मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी सर। How did you find the classroom environment here at IES Master? हम लोग कहते हैं हेल्दी कंपटीशन जिस एनवायरनमेंट में रहता है, तो वैसा मुझे लगा जब मैं पहले दिन, पहले हफ्ते में मैंने जब देख लिया था कि मतलब मैं साथ के जैसे कॉलेजेस के बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे, NIT NIITs में, मैं एक्चुअली जीनियस बैच में मैंने एनरोल किया था, तो मुझे अपने से मतलब थोड़ा हायर उस पे इंस्टीट्यूट्स और अच्छे इंस्टीट्यूट से जब मेरे दोस्त बने तो वहाँ मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में मैं आ गया। और एक मुझे अच्छा ये भी लगा कि सर मतलब लेक्चर्स तो सर एकदम फैंटेस्टिक रहता था सर का, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मुझे एनवायरनमेंट भी लगा और टीचर वाइज और स्टूडेंट वाइज हर तरह से सर। Tell us about how IES master study material helped you. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मैं बहुत हेल्प किया उसने उसमें, और मैंने जब पढ़ा था तो मैं अपने जब लेक्चर्स जब देखता था या स्कूल अपने कॉलेज में, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता था जैसे कोई स्टडी मटेरियल या फिर आपका, तो मैं आपके स्टडी मटेरियल ये ईएस मास्टर के स्टडी मटेरियल को मैंने रेफर किया अच्छा, फिर उस समय मैं थर्ड ईयर में जब था कॉलेज में तो मैंने रेफर किया था, मुझे अच्छा उसमें डिटेल वो मिलता था, मुझे एक्सप्लेनेशन मिलता था हर क्वेश्चंस का हर थ्योरी का, तो मुझे उससे बहुत वो मिला, सपोर्ट मिला कि सर मतलब इसमें प्रिपरेशन लेवल अच्छा गया उससे मेरा। Tell us about the moment when you get to know about the result. मुझे इस बात का तो वो श्योरिटी था कि जैसे मेरा मतलब स्कोर आ रहा था इसमें, मैंने जब ऑफिशियल आंसर की से चेक किया तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप 50 के अंदर तो आ सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टॉप 20 में भी आ सकता हूँ। तो सर जैसे मैंने देखा तो मुझे मतलब एक मेरे लिए भी सरप्राइज था, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहा, और फिर मैं जब मैं अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने सबसे पहले अपने फादर को बताया तो सबसे ज्यादा उनको खुशी हुआ, और मैं माय मदर मतलब मेरी मदर तो मतलब खुशी से झूम उठी थी जैसे रिजल्ट आया था, तो सर वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। What is your message to future aspirants of GATE? जो भी है मैं जो आगे के जो गेट जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपना गोल पहले क्लियर रखना, जो भी आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो आप, और फिर अगर आपको अपना गोल क्लियर है तो आप फिर उसके लिए वर्क करने के लिए फिर पूरी तरह से जुट जाना, जो भी आपको रिसोर्सेस चाहिए आप अपने जो भी अपने एंड से कर सकते हो आप करो, और जैसे आप जैसे कोई भी गाइडेंस है आपका, जैसे कोई भी कोचिंग या आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट आपके लिए कोचिंग आप खुद ही हो अपने लिए, क्योंकि आप सेल्फ अगर अपने एंड से अगर आप श्योर हो तो और कोई आपको फिर कहीं से श्योरिटी की जरूरत नहीं है सर, और वो कॉन्फिडेंस आपको खुद ही मिलेगा जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे, जैसे अपना कोर्स आप जो एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको काम करना होगा, एग्जाम स्पेसिफिक वे में रहना पड़ेगा, और जो आपको वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लगाने पे आपको मिलेगा हेल्प, और बाकी आप थ्योरी और जो भी आप जिसमें अभी आप पढ़े हो आप अपना पढ़ते रहो, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एज जो कहावत है वो सही है और वो एक्चुअली में ट्रू भी है, और आप उस पे स्टिक रहो, अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखना। Generally, students doesn't follow the instructions laid down by the institute.
What is your advice for them? उनके लिए सर मैं ये कहूंगा कि जो भी जैसे क्लासेस हो रहे हैं आपके, जो भी आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप क्लासेस कर रहे हो, पहले तो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप पहले रिवाइज करो। पहले सबसे पहला टास्क आप वही रखना अपना, क्योंकि आपने अगर किसी को फॉलो किया है, अगर अपने उसमें या किसी कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो तो आपने कुछ सोच के किया है, तो आप पहले उसको आपने आपको उनको प्रायोरिटी दो। पहले अपने ऊपर पहले उनको सोचो कि वो आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस है उनको, तो वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो ये चीज आप इस फेथ को अपने अंदर रखो और उस पे काम करो। फिर वो जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं आप इसके टीचर्स, उनको फॉलो करो। वो सबसे बड़ा आपके लिए वही है, गाइडेंस वही है आपके लिए। और जो कह रहे हैं कि जैसे आप रिवाइज करो या जैसे भी आप प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं, तो वो आप वैसे करो। और वो जैसे जैसे आप एक रूटीन आप बनाना पड़ेगा आपको। शुरुआत शुरुआत में थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा आदमी को डर लगता है या थोड़ा नर्वसनेस रहता है ये सब चीजों को लेकर, लेकिन धीरे धीरे जब आदमी एक रूटीन में बैठ जाता है, ये चीज आदमी रोज रेगुलर करता है, तो उसको एक मीन्स केक वॉक होता है उसके लिए। फिर वो धीरे धीरे हर सब्जेक्ट पे कमांड फिर वो धीरे धीरे होने लगता है। वो चीज आपको वो आपके टीचर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जहाँ जो भी आप कोचिंग जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो उसमें। और ये आपको कोचिंग मटेरियल जो भी है आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना चाहिए। Tell us about your family. फादर आईटी प्रोफेशनल है और वो एचपी हेवलेट पैकार्ड कंपनी है उसमें एक सीनियर इंजीनियर है, और मेरी मदर एक स्कूल टीचर है, और मैं एक छोटा भाई है जो बीटेक अभी कर रहा है फाइनल ईयर से फ्रॉम ट्रिपल एम यूटी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। Tell us something about your native place. Belong to Lucknow, the capital city of UP, and it is a very means old fashioned you can say, or it has developed a lot in the last few years which I have seen, and I have seen it growing as a means very good city, as a metropolitan city if you can say, and there are many great things to see in Lucknow. You can see of think of Imambada and Rumi Darwaza and all that historical places are lot of there. From where you did your schooling? I have done my schooling from Montfort Inter College in Mahanagar, Lucknow. I passed my high school exam in 2012 and my intermediate exam in 2014. And sir, about school, I would like to say that all the teachers which taught me, they were means excellent in their means own fields, and they helped me to guide through all the various means hurdles in life. They helped me to get through a good path on my life, in my life. So it was a great means experience for me as well in that, for being a student in that college. What is your message for GATE 2022 aspirants? Experience के लिए सर मैं मैसेज ये रहेगा कि आप जो भी जैसे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसको थॉरली एक बार अच्छे से पढ़ जाना और उसको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि रिवीजन यहाँ पे सबसे बड़ा की है आपको, जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपकी इंप्रूव करेगा, और टेस्ट सीरीज जरूर आपको एनालिसिस के लिए जरूर देना होगा, उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगा, आपको एग्जाम के एंड तक आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे। और ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गेट 2022 एस्पिरेंट्स एंड फॉर द एग्जाम। यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हियर एट IES मास्टर। वी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम।